friend, today I am going to teach you the second part of the second chapter, addition up to 10. In previous class, I taught you about the previous class में मैंने आपको क्या बताया था? Adding 0, adding 1, vertical addition, ये सब मैंने आपको बताया था. आज हम लोग पढ़ेंगे addition in order, means addition को आप किसी भी order में लिखो. आंसर क्या आता है? मैंने आपको बताया था आंसर विल बी द सेम. लाइक आप लिख रहे हो 4 + 2, 4 + 2 आंसर क्या आएगा? 6. ओके, 4 में जब आपने 2 ऐड किया तो आंसर क्या आया? 6 आया. अब आप ऑर्डर चेंज कर दो, मींस आप 2 को पहले लिख दो और 4 को बाद में लिख दो, तो क्या होगा? आप जब इसको ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 60 आएगा. इट मींस एडिशन के ऑर्डर को अगर आप चेंज करते हो तब भी जो आंसर है आंसर विल बी द सेम. ओके, देन नेक्स्ट इज सेम प्रोसेस. अगर हम लोग 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 + 2 = 1. ओके, अभी आप क्या करोगे? पहले 4 और 2 को आपस में ऐड करोगे. ठीक है, 4 + 2 कितना आंसर आएगा? 6. देन अब ये 1 को ऐड करो, +1, आंसर क्या आएगा आपका? 7. 6 + 1 = 7. अब क्या करो, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं. 4 + 2 + 1, आप इसको ऐड करो, आप ऐसा करो पहले 2 और 1 को आपस में ऐड करो तो क्या आएगा? 1 + 2 + 1 = 3. देन अब आप क्या करो, 4 को इसमें ऐड तो कैसे होगा? 1 2 3 4 + 3. 1 2 3. अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. आंसर क्या आया? 7. इट मींस कि अगर आप एडिशन में क्या होता है, अगर आप उसको ऑर्डर चेंज कर देते हो, आप उसको आगे से प्लस ऊपर से प्लस करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, अगर आप नीचे से प्लस करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. अंडरस्टैंड? Next is story sums. Means कि अगर आपके पास word problem अगर पूछता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे add करोगे? Like आपके book में रवि's room, रवि का room है जिसमें बहुत सारे things रखे हैं, books, teddies, cars. अब इन सबको क्या करना है? आपको उसको आपस में add करना है. अब आप उधर देखिए, See, here are the teddies. आप देखो, one teddy is on the floor, second one is on the chair, and third one is on the shelf. तो आप इसको add करो, 1 + 1 is on the chair, second, then third is on the shelf, +1. Equal to 3. Okay? Here, क्या दिख रहा है आपको? Cars दिख रहे हैं. रवि के पास कितने cars हैं? आप count करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cars are on the floor. Floor में है. और कहीं आपको कार दिख रहा है? Yes, here. One car is on the shelf. तो क्या होगा? 7 + 1 = 8. ओके, और देखिए आपको क्या दिख रहा है? Here are the books. Here one book is on the sofa and 1, 2, 3, 4, 5. 5 books are on the shelf. 5 books shelf पे रखे हुए हैं और एक book कहाँ पे है? Sofa पे.
three, four. Four soles are on the top shelf and two soles are on the bottom shelf. Means four soles are upper rakhe hue hain aur two soles jo hai wo niche rakhe hain. To aap isko add karoge 4 plus 2. Add kariye 1 2 3 4 5 6. Total kitne shoes ho gaye? 6. Okay? वैसे ही ये तो बुक में था, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी ऐसे चीजें होंगी, लाइक आपके अभी आप घर में हो तो इफ यू हैव 3 एप्पल्स, आप ये देखो कि आप काउंट करो, आपके पास अगर 3 एप्पल्स हैं और आपके ब्रदर और सिस्टर जो भी है उसके पास 2 एप्पल्स हैं, तो आप एप्पल्स को टोटल करो, आपके पास कितने हैं 1 2 3 एंड योर ब्रदर हैव 2 1 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 टोटल कितने एप्पल्स हो गए 5 एप्पल्स हो गए. अब आप अपने फिंगर को भी काउंट कर सकते हो, लाइक इन योर राइट हैंड यू हैव 4 फिंगर्स 1 2 3 4 एंड इन योर लेफ्ट हैंड यू आल्सो हैव 4 फिंगर्स 1 2 3 4 आपने इसको आप काउंट करो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर आपसे कोई ऐसे दिखा के पूछे कि हाउ मेनी टोटल फिंगर्स आर देयर, तो आप बता सकते हो कितने फिंगर्स हैं 8. समझ में आया आपको? आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको ये सिखाया कि अगर एडिशन को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे आंसर विल बी द सेम, चाहे आप उसको अप एंड डाउन में प्लस करो या फिर नीचे से ऊपर, डाउन और अप को प्लस करो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ओके और स्टोरी सम्स भी आपको बताया, आप भी अपने घर पे जो भी आपके थिंग्स हैं उससे आप उसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अभी और बुक में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनके इमेजेस में आपको क्या करोगी, ग्रुप में सेंड करूंगी और आप उसको अच्छे से घर पे सॉल्व करिएगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.